आज हम सुपर टेस्टी मैक पफ बनाएंगे। तो उसके लिए 2 कप मैदा में आधा छोटी चम्मच नमक, 1.5 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 कप तेल डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर थोड़ा सख्त आटा लगाएंगे। डो हमारा तैयार है, इसे ढककर आधा घंटे के लिए सेट होने देंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे, तो उसके लिए एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गर्म होने देंगे। 1 छोटा चम्मच ग्रेटेड अदरक डालेंगे, हल्का सा भूनेंगे। अब आधा कप बारीक कटी हुई गाजर डालेंगे और इसे भूनेंगे। अब आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1/4 कप स्वीट कॉर्न डालेंगे, 1 मिनट भून लेंगे। अब आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे। आधा छोटी चम्मच ओरिगेनो, इसे मिक्स करेंगे। अब 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और सब्जियों को 2 मिनट तक ढककर पका लेंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, मिक्स कर देंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। इसमें हम मोजरेला चीज मिलाएंगे और मिक्स कर देंगे और अलग प्लेट पर निकाल लेंगे। आधा घंटा हो गया है, डो हमारा तैयार है। अब हाथ को ऑयल से ग्रीस करेंगे और आटे को थोड़ी देर नीट करेंगे। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट उठाएंगे और इसे मीडियम थिकनेस का बेलेंगे। अब इसको रेक्टेंगल में कट करेंगे। अब इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कॉर्नर्स पर पानी लगा देंगे, सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। अब दूसरी शीट से कवर करेंगे और कॉर्नर चिपका देंगे। एक फोर्क से डिजाइन बना देंगे। सेम प्रोसेस से सारे मैक पफ बना लीजिए। ये सारे मैक पफ तैयार हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में मैक पफ गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ये सुपर टेस्टी मैक पफ हमारे बनकर तैयार हैं। ऐसी ही टेम्पटिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।